चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेला होने के संकेत हैं। जदयू नेता के एक बयान से हड़कंप मच गया है और जदयू बीजेपी की सांसें फूलने लगी हैं। जदयू नेता और विधायक गुलाम रसूल बलियावी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे नेता नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिल रहा है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा, तभी एनडीए की सरकार बनेगी। बलियावी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। बीजेपी विधायक जहां जदयू के विधायक पर भड़क गए हैं, वहीं महागठबंधन के नेता इस पूरे बयान पर चुटकी ले रहे हैं। दरअसल बलियावी ने कहा क्या है ये भी जान लीजिए। बलियावी ने कहा है कि बिहार में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे और काम पर वोट मिल रहा है। यही नहीं, बलियावी ने यह भी कह दिया कि 23 मई के बाद एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकती है और अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना होगा, तभी एनडीए की सरकार बनेगी। गुलाम रसूल बलियावी का यह बयान उस वक्त आया है जब बिहार में लोकसभा चुनाव के 2 अहम चरण बाकी हैं। ठीक छठे चरण से पहले जदयू नेता के इस बड़े बयान के बिहार में कई सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। जदयू नेता के इस बड़े बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए दूसरे दल से मिले होने का इन पर आरोप लगा दिया। बीजेपी के नेता ने कहा है कि आज सीएम नीतीश सहित सभी नेता मोदी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में बलियावी का ये अलग राह अपनाना कई इशारे करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग खाएं यहाँ का और गाएं कहीं और का, ऐसा तो नहीं चलेगा। अगर कहीं और जाने की उनकी इच्छा है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा है कि दिल्ली में मोदी को पीएम बनाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बलियावी की अपने दिमाग की उपज है, नीतीश कुमार का इससे कोई लेना देना नहीं। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी चुटकी ले ली। उन्होंने तंज कस दिया कि बीजेपी ये बताए कि उनके गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। नीतीश कुमार बीजेपी की पीठ पर छुरा घोंपने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की थाली छीनने वाले अब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। नीतीश ने जानबूझ के बलियावी से ऐसा बयान दिलवाया है, ये दावा किया है जीतन राम मांझी ने। अब ऐसे में 16 अहम सीटों पर चुनाव से ठीक पहले ये पीएम पद का राग कितना काम आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बयान से जहां विरोधियों के हाथ बैठे बिठाए मुद्दा लग गया है, तो वहीं एनडीए के खेमे को बैठे बिठाए परेशानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।